आज वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें कि किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान का कितना खौफ हो सकता है। अच्छा चलिए सवाल को थोड़ा और आसान कर देता हूं, आप ये बता दीजिए कि किसी भी बैट्समैन को किसी बॉलर का आखिर कितना खौफ हो सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कैसा अजीब सा सवाल है। हाँ अजीब तो है, पर मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूं जो आपको बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। किसी बैट्समैन को एक बॉलर का इस हद तक खौफ हो सकता है कि लोगों को उसकी बॉल छूने से भी डर लगे, जिसके द्वारा फेंकी गई 6 की 6 बॉल ऐसी हो कि हर बॉल के करीब बैट आने से पहले खुद कहे कि मत लगा बल्ला, आउट हो जाएगा। और जब मैं बात करता हूँ इस लेवल के खौफ की, तो इस खौफ को क्रिएट करने की ताकत थी एक ही बंदे में, जिसका नाम है वन एंड ओनली डेल स्टेन। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बातें कर रहा हूं, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो शायद आप क्रिकेट को जानते नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो डेल स्टेन का क्या डर था उसे पहचानते नहीं हैं। इसका सिंपल सा उदाहरण ये समझ लीजिए कि सचिन, सहवाग, गांगुली, रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, युवराज से लेके रिकी पॉन्टिंग, विलियमसन, जो रूट और स्टीव स्मिथ तक से जब एक बॉलर का नाम पूछा गया जिसे वो कभी फेस करना नहीं चाहेंगे, तो इन सारे ही लेजेंड्स ने एक ही नाम लिया और वो था डेल स्टेन। क्योंकि कुछ बॉलर्स के सामने चलिए आप ये सोच सकते हो कि इस पे टिक लेते हैं, आगे मारेंगे। कुछ बॉलर्स के सामने आप सोच सकते हो कि इस पे लीव कर देते हैं, अगले में स्कोर करेंगे। पर स्टेन के सामने आने पर यही मन में आता था कि यार अब इस पे क्या करेंगे, क्योंकि वो ना आसानी से लीव करने देते थे ना डिफेंस, बाकी सब तो बाद की बात है। और बाकी बॉलर्स विकेट लेते थे तो सिर्फ सामने वाले के स्कोर बोर्ड पे प्रहार होता था, पर जब डेल स्टेन विकेट लेते थे तो आपके कॉन्फिडेंस से लेके आपकी रूह तक को बीच मैदान में तोड़ देते थे। बैट्समैन अपनी काबिलियत पर से भरोसा खो बैठता था, उसे लगने लगता था कि यार इतनी आसानी से ये कैसे हर बार मुझे आउट कर दे रहा। क्योंकि असल में मसला ये नहीं था कि वो बैट्समैन खराब थे, असल में मसला ये था कि स्टेन ज्यादा ही अच्छे बॉलर थे। आखिर 150 की स्पीड में सटीक लाइन एंड लेंथ के साथ दोनों तरफ स्विंग करा लेना मजाक थोड़ी है। अगर आप किसी भी बॉलर को उठा के देखें तो मेजॉरिटी केसेस में अगर वो स्विंग अच्छी कराता है तो उसके पास स्पीड नहीं होती, स्पीड होती है तो स्विंग नहीं होती, और अगर दोनों होती हैं तो लाइन एंड लेंथ पे कंट्रोल नहीं होता। पर स्टेन की तिजोरी में तीनों ही गहने थे, स्पीड, स्विंग और कंट्रोल। डेल स्टेन की ख्याति को आप सिर्फ इसी बात से समझ सकते हैं कि उनके पूरे करियर में तो 6 साल ऐसे रहे जब उन्हें कोई नंबर वन रैंकिंग से हटा तक नहीं पाया, और स्टेन ने इसी के साथ लगभग 2400 दिन तक नंबर वन रैंकिंग पर रहने का अटूट रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। स्टेन का कहर कुछ ऐसा था कि वो खुद कहते थे कि मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है जब मैं किसी को बोल्ड मारता हूं, और मेरी कोशिश यही होती है कि अगर मैं बोल्ड करूं तो स्टंप्स अपनी जगह पे टिके ना रहें। और बात सच भी है, अगर क्रिकेट में बोल्ड मार स्टंप्स को सबसे ज्यादा बार तोड़ने का कोई रिकॉर्ड होता तो वो रिकॉर्ड भी डेल स्टेन के ही नाम होता। डेल स्टेन ही थे जिनके 5 विकेट के कारण साउथ अफ्रीका ने 2011 वर्ल्ड कप में एक भी मैच ना हारी हुई भारतीय टीम को भी मात दे दी थी। मतलब आप ये समझ लो कि कई बार जीवन में ऐसा होता है ना कि हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, तो बस कुछ ऐसा ही हाल बैट्समैन का हो जाता था जब उनके सामने डेल स्टेन आते थे। उनके आते ही मजबूरी, लाचारी सब बैट्समैन के अंदर पाई जाती थी। पर जैसा मैं हर बार कहता हूं कि हर अच्छी चीज का अंत तो होता ही है, और वैसे ही डेल स्टेन का भी हुआ। बस फर्क इतना था कि अक्सर जो करियर का अंत होता है वो सुखद होता है, पर डेल स्टेन के करियर का अंत दुखद रहा, क्योंकि उनकी कामयाबी का जो सबसे बड़ा हथियार था उसने ही डेल स्टेन के साथ बगावत कर दी। और वो हथियार क्या था वो बताने से पहले मैं बता दूं कि आज है सैटरडे और आज खेले जाने हैं 2 बहुत ही बड़े मैच, जहां पहला मैच होगा हैदराबाद और चेन्नई के बीच और दूसरा होगा बेंगलोर और मुंबई के बीच। तो हमने तो अपनी गेमजी टीम बनाते हुए पहले मैच में मोइन अली और विलियमसन को और दूसरे मैच में डू प्लेसिस और सूर्य कुमार यादव को अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दिया है।
बाकी आपने अभी तक अपनी आज की टीम नहीं बनाई है तो ये मौका बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि लगभग 90% ऑफ का ऑफर चल रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मतलब आप सिर्फ 10 रुपए इन्वेस्ट करके 100 रुपए की लीग में एंट्री कर सकते हैं और लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, और 100 रुपए की लीग के हिसाब से तो कॉम्पिटिशन और भी कम हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कई बेहतरीन ऑफर और गिव अवेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप तो डाउनलोड करें ही करें, साथ ही साथ जैसा मैंने कहा हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। परसों ही मैंने 2 लाख का गिव अवे ऑफर डाला था, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए थे तो आपने वो मिस कर दिया होगा। तो आगे से ना मिस करने के लिए अभी जाएं नीचे दिए लिंक से गेमजी का ऐप डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आए तो सिंपल टेलीग्राम पे ही जाके क्रिक टाइम विद जोशी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अब आगे चलें तो जैसा मैंने कहा था कि उनके परचम पे लहराते हुए करियर में उनके सबसे बड़े हथियार और सबसे जिगरी हथियार ने उनके साथ ही बगावत कर दी, और वो हथियार था उनका कंधा। जो कंधा स्टेन की स्पीड का कारण था, उनके सटीक कंट्रोल का जरिया था, उनके बॉल को जबरदस्त स्विंग पे छोड़ने का साधन था, कुल मिला के जो कंधा उनकी सबसे बड़ी ताकत था, वो ही कंधा 2015 के बाद उनकी कमजोरी बन गया। जब दिसंबर 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एक मैच की दूसरी इनिंग में स्टेन जैसी अपने चौथे ओवर की दूसरी बॉल डालने गए, तो बॉल डालते ही वो अपने कंधे पे हाथ रख कर बैठ गए। उनका दाएं कंधा मानो जवाब दे चुका था, और स्टेन उस ओवर को बिना पूरा करे ही ड्रेसिंग रूम लौट गए। कुछ देर बाद स्टेन दोबारा मैदान पे आए तो लोगों को लगा कि कोई बड़ा इशू नहीं है, पर जैसी स्टेन ने आके 3 बॉल डाली तो उनका कंधा फिर से दुखने लगा और स्टेन फिर से वापस लौट गए। और यहां पर स्टेन के कदम बढ़ तो ड्रेसिंग रूम की तरफ रहे थे, पर उन्हें यह एहसास भी नहीं था कि उनके ये कदम उन्हें करियर के अंत की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद से स्टेन सिर्फ उस सीरीज से ही बाहर नहीं हुए, बल्कि उसके बाद से उनका कंधा उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। क्योंकि वो जैसी थोड़ा सा रिकवर होके वापस लौटे और आते ही वापस से खुद को रैंकिंग पे पहले नंबर पे लाए, तो फिर से 2016 में पर्थ टेस्ट के दौरान वो अपने कंधे को इंजर्ड कर बैठे, और वो इंजरी इतनी घातक थी कि स्टेन 1 से ज्यादा साल तक उस 22 गज की पट्टी पे दिखाई तक नहीं दिए। स्टेन ने 2018 के करीब रिटर्न जरूर किया, पर स्टेन की वो स्पीड मानो कहीं खो सी गई। स्टेन की बॉलिंग में जो आग थी वो मानो बुझ गई। स्टेन की बॉल को खेलना उतना मुश्किल नहीं रहा जितना कभी हुआ करता था। 2015 के बाद से जिसने भी स्टेन को देखा उसने बस एक ही सवाल किया कि यार इसने इतने विकेट कैसे लिए होंगे। अब उन्हें क्या बताएं कि स्टेन किस लेवल का प्लेयर था। दुख हुआ कि इतिहास के सबसे बड़े प्लेयर का अंत कुछ ऐसे हो रहा था। अगर कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा हो कि ऐसी भी क्या इंजरी हो गई थी, तो आप डेल स्टेन की इस रिकवरी वीडियो को देखें, जहां वो एक नए क्रिकेट सीखने वाले युवा की तरह बॉलिंग करा रहे हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि इस कंधे में कुछ बचा भी है कि नहीं। मुझे मालूम है कि अपने लेजेंड की ये तस्वीर बहुत दुखी करती है, बट क्या करें, आंख बंद कर लेने से सच छुपता थोड़ी है। अक्सर लोग महान बॉलरों का जिक्र करते वक्त मैग्रात, एंडरसन, मुरलीधरन जैसे बॉलरों का नाम लेते हैं, पर आइए मैं आपको एक सिंपल से स्टैट्स दिखाता हूं जो आपके सारे सवालों को एक पल में क्लियर कर देंगे कि इनमें से कोई भी स्टेन के आसपास तक नहीं था। क्योंकि जहां डेल स्टेन ने 93 मैच में 439 विकेट लिए थे, तो वहीं मैग्रात ने 124 मैचों में 563 विकेट लिए थे। पर यहां पे हम अगर गौर करें तो जहां मैग्रात ने 29,248 बॉल ली थी 563 विकेट लेने के लिए, तो वहीं स्टेन ने 18,608 बॉल्स ली थी 439 विकेट लेने के लिए। तो सिंपल कैलकुलेशन के चलते मैं आपको बताऊं तो अगर स्टेन ने मैग्रात के जितनी बॉल्स डाली होती तो स्टेन ने 690 विकेट ले लिए होते जब मैग्रात ने 563 लिए। और अगर मैं सेम तरीके से स्टेन को एंडरसन से कंपेयर करूं तो अगर स्टेन ने एंडरसन जितनी 36,396 बॉल्स डाली होती तो स्टेन ने लगभग 858 विकेट ले लिए होते जब एंडरसन के 640 विकेट हैं। अगर दो
पल किसी के मन में मुरलीधरन को लेके सवाल आ रहा हो, तो वो भी बता दूं कि अगर स्टेन ने मुरलीधरन जितनी 44,039 बॉल डाली होती तो जहां मुरलीधरन के 800 विकेट हैं, स्टेन के करीब 1,040 विकेट होते। मैंने यहां पे आपको उनके साथ ही सिनेरियो बताया जो स्टेन से पहले भी खेले, कुछ स्टेन के रहते हुए भी खेले और कुछ स्टेन के बाद भी खेले। मेरा मोटिव यहां पे नंबर्स बता के किसी को किसी से बड़ा या छोटा दिखाना नहीं था, बस ये समझाना था कि स्टेन का विकेट लेने का जो रेट था वो कितना ज्यादा बेहतरीन था। और ये तब है जब स्टेन ने अपने करियर के आखिरी 4 साल पूरी इंजरी के साथ निकाल दिए। उम्मीद करता हूं कि आज उस महान गेंदबाज के ओहदे को मैं कुछ और ऊपर उठाने में सफल रहा हूंगा। अगर हां तो जो भी ये वीडियो देख रहा है आज उस लेजेंड के लिए एक लाइक जरूर दे। आपका क्या सोचना था स्टेन के बारे में या फिर आपके मन में उनके लिए क्या भावनाएं थी, जो भी जैसा मैंने का वीडियो देख रहा है प्लीज कमेंट में जरूर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेमजी का ऐप डाउनलोड कर अपनी आज के दोनों मैचों की टीम बनाना ना भूलें। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर क्लिक करके जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप भी हमारे एक्सक्लूसिव ऑफर्स और गिव अवेज से परिचित हो सके। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हम इतनी मेहनत करके आपके लिए इतनी बेहतरीन वीडियोस रेगुलर ला रहे हैं, बस थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।